गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव मनी के बारे में। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं तो आप सभी लोग एक्टिव मनी के बारे में तो जानते होंगे। एक्टिव मनी कोटक महिंद्रा बैंक का एक ऐसा फीचर है जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक ये वादा करता है कि आपको सेविंग खाते पर एफडी वाला इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगा। लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूं कि जो कोटक महिंद्रा बैंक में आपको एक्टिव मनी पर इंटरेस्ट मिलता है वो आपके एफडी वाले ब्याज से भी बहुत कम मिलता है। और अगर आप अपना पैसा एक्टिव मनी में रखते हैं तो आपको एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज की इस वीडियो में आपको प्रूव करूंगा इस बात को कि हां एक्टिव मनी में किस प्रकार से आपको नुकसान होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं एक्टिव मनी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। एक्टिव मनी के बारे में कुछ जानकारी आपको पता ही होगी पहले से। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं आपको, एक्टिव मनी कोटक महिंद्रा बैंक का एक नया नया फीचर है जो कि कुछ समय पहले लॉन्च किया था। हमने भी इस पर काफी सारे वीडियो बनाए हुए हैं चैनल पर। एक्टिव मनी को आप ऑटो स्विप समझ सकते हैं, बस इन्होंने केवल इसका नाम बदल दिया। एक्टिव मनी में क्या होता है, बेसिकली आपका जो सेविंग खाते पैसा रखा है इस पर कोटक महिंद्रा बैंक आपके लिए एफडी वाला इंटरेस्ट यानी 7% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करा देता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है जो अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होती है और वो अपने पैसे का नुकसान कर रहे होते हैं। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने अपना पैसा कोटक महिंद्रा बैंक के सेविंग खाते में डाला और आपके लिए 7% का एक्टिव मनी का ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको एक्टिव मनी में 7% का ब्याज चाहिए तो आपको अपने कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में 25,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट रखना होगा। 25,000 रुपए से जो नीचे का अमाउंट होगा इस पर क्या होगा, आपके लिए सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 3.5% का चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में। तो 25,000 रुपए अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक खाते में रखते हो तो यहां पर आपका एक्टिव मनी एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि 25,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट होता है उसी पर एक्टिव मनी लागू होता है। और 25,000 रुपए से ऊपर का जो अमाउंट आप अपने खाते में डालते हो तो उसमें क्या होगा कि 5,000 रुपए का एक किस्त बनके और आपका एक्टिव मनी में एफडी हो जाएगा, उस पर बैंक आपके लिए 7% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगा। जो ब्याज यहां पर आपका बन रहा होगा यह ब्याज आपको 180 दिन के बाद आपके कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में ही मिल जाएगा। लेकिन हम एक बार यह देखते हैं कि एक्टिव मनी में फायदा क्या है, हमारे लिए पैसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लो कि किसी व्यक्ति का 811 वाला अकाउंट है, अगर नहीं है तो ओपन कर लेना, अकाउंट इनका बहुत बढ़िया है, जीरो बैलेंस अकाउंट आता है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। तो मान लो किसी का कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट जीरो बैलेंस और उसमें उसने 25,000 रुपए डाल दिया। अब 25,000 रुपए तक तो कुछ भी ब्याज नहीं मिल रहा है आपको एक्टिव मनी का, यहां पर आपको सेविंग खाते का ब्याज मिलेगा जो कि 3.5% का ब्याज यहां पर आपको देंगे। इसके हिसाब से मान लो एक साल के लिए आपने अपना 25,000 रुपए अपने खाते में डाल दिया तो यहां पर आपको 875 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। अब यहां पर एक्टिव मनी लागू तो हुआ नहीं है, एक्टिव मनी लागू कब होगा, आपके 25,000 से ऊपर के अमाउंट पर। मानो आपने 5,000 रुपए और डाल दिया, अब आपके खाते में हो गया 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए में अब आपका केवल 5,000 रुपए एक्टिव मनी में गया है तो 5,000 पर मिलेगा आपको 7% का ब्याज, बाकी का यहां पर जो अमाउंट है इस पर मिलेगा आपको केवल 3.5% का ब्याज। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका अगर 30,000 रुपए आप कोटक महिंद्रा बैंक खाते में रखते हो तो टोटल यहां पर आपके एक्टिव मनी के सेविंग खाते को जोड़ करके यहां पर 1,225 रुपए का यहां पर ब्याज आपका बन रहा है। इतना आपको ब्याज मिलेगा एक साल के अंदर। अब यही पैसा मान लो हम कोटक महिंद्रा बैंक में ही अगर एफडी में डाल देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं, तो यहां पर हमारे लिए 30,000 रुपए की एफडी करने पर 7.40% का इंटरेस्ट चल रहा है। इसके हिसाब से टोटल हमें 2,220 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा एक साल की एफडी करने पर, जो कि 30,000 रुपए की हमने सेम अमाउंट की एफडी की है। अगर यही अमाउंट हमने एक्टिव मनी में डाला होता तो हमारे लिए केवल 1,225 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। यही अमाउंट अगर हमने एफडी में डाल दिया होता कोटक महिंद्रा बैंक में तो हमें 2,220 रुपए का यहां पर ब्याज मिल जाएगा। दोनों में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 995 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक्टिव मनी में अपने पैसे को डालता है तो वो यहां पर अपना 995 रुपए का नुकसान करा लेता है। लेकिन एक्टिव मनी में बैंक यहां पर ये बोलती है कि आप अपने पैसे को कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, कोई भी यहां पर लॉगिन पीरियड का टाइम नहीं रहता है। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप पैसे को विड्रॉल करो, मतलब आपने अगर एक्टिव मनी में अमाउंट को डाल दिया है तो आप उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। ये यहां पर आपको एक फीचर मिलता है, बस इसका यही एक हाईलाइट फीचर है। तो ये बात बैंक की बिल्कुल ठीक है भाई साहब। अगर यही पर हम देखते हैं, मान लो किसी ने एफडी कर दी अपनी और उसे बीच में कभी पैसे की आवश्यकता पड़ गई
तो वो एफडी को विड्रॉल करना चाहता है, तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के 811 ऐप से ही अपनी एफडी को विड्रॉल कर सकते हैं। एफडी के विड्रॉल चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप 365 दिन से प्लस की एफडी करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में तो आपको इंटरेस्ट पर 1% का चार्ज देना होता है। मतलब 2000 रुपए अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो उस पर केवल आपका 20 रुपए का चार्ज कटेगा। समझना बात के लिए, ऐसा नहीं है कि पूरे अमाउंट पर 1%, केवल आपके इंटरेस्ट पर 1% का चार्ज देना पड़ता है अगर आप अपनी एफडी को समय से पहले विड्रॉल करते हैं। तो अगर आप 6 महीने की एफडी करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में तो आप उसको कभी विड्रॉल कर लीजिएगा, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अगर हम एक तरीके से देखें एक्टिव मनी और कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी पर, दोनों पर हमारे लिए भाई साहब बहुत बड़ा एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 995 रुपए का अंतर आ रहा है। अधिकांश लोगों को लगता है कि एक्टिव मनी बहुत बढ़िया है। देखो बहुत बढ़िया नहीं है, एक्टिव मनी बस उन लोगों के लिए ठीक है जिनका पैसा हर महीने आता है जाता है, कोई यहां पर फिक्स नहीं होता है, उनके लिए ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप अमाउंट को सेफ रखना चाहते हैं और अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अच्छा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो एक्टिव मनी में बिल्कुल ना जाएं, उससे बढ़िया आप कोटक बैंक में एफडी कर दें। अगर अकाउंट नहीं है जीरो बैलेंस तो ओपन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्टिव मनी बेकार है, लेकिन एक्टिव मनी बहुत बढ़िया भी नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर कर देना।